हो, जंगल में कोई तुम्हें जानवर खा जाएगा। धर्म ने कहा मैया आज्ञा दे दो, नहीं तुम्हें यहाँ पानी तक भी नहीं पीऊंगा। उसी समय ध्रुव अपनी माता के चरण महाराज ध्रुव अपनी माता के चरण छूकर वो चलते थे, जंगल की तरफ चल दिए। नगर के लोगों ने राजा से कहा तुम्हारा बड़ा बेटा जंगल में जा रहा है भगवान का भजन करने। राजा ने कहा जाओ हमारे ध्रुव से कह दो अभी तक उसे जौ की रोटी मिली है लेकिन अब उसे शुद्ध भोजन मिलेगा। गांव के लोगों ने ध्रुव से जाकर के कहा कि हे बेटा ध्रुव तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि तुम्हें शुद्ध गेहूं का आटा मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा, लौट चलो जंगल में मत जाओ। ध्रुव ने कहा वारे प्रभु आपकी लीला परम पारे, मैंने एक पग धरा तो मुझे शुद्ध आटा का गेहूं मिल गई, मुझे शुद्ध आटा मिल गया, जो कि मैं कभी रोटी खाता था आज मुझे शुद्ध भोजन मिलेगा। बाप प्रभु तेरी लीला अपरम पारे। ध्रुव महाराज कहने लगे जाओ मेरे पिताजी से जाकर के कह दो मैं नहीं आऊंगा। नगर के लोगों ने जाकर के कहा तुम्हारा बेटा नहीं आ रहा है। महाराज उत्तान पाद ने कहा जाओ हमारे बेटे से जाकर के कह दो अभी तक वह उस टूटी सी झोपड़ी में रहा लेकिन आज से उसका आधा राज्य हो जाएगा। नगर के लोगों ने जाकर के कहा तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं तुम्हारा आधा तुमको आधा राज्य मिल जाएगा। ध्रुव महाराज कहने लगे वाह प्रभु अब मुझे आधा राज्य मिल गया, मैं नहीं जाऊंगा। ध्रुव को बड़ा ही लालच दिया। महाराज उत्तानपाद ने कहा जाओ जाकर के कह दो आज से उत्तानपाद ही इस राज्य का राजा है। लेकिन महाराज ध्रुव लौट करके नहीं आए। आज ध्रुव महाराज बन की तरफ चले जा रहे हैं। इधर देवर्षि नारद का पदार्पण हो जाता है। देवर्षि नारद ने जब उस छोटे से बालक को देखा देवर्षि नारद के लगे अरे बेटा तू तो कौन है कहां जा रहा है। ध्रुव महाराज ने कहा मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूं। आपका पिता कौन है। ध्रुव कहने लगे मेरा पिता राम है। देवर्षि नारद ने कहा अगर किसी भेड़िया के चक्कर में फंस गए ना तो राम तो नहीं मिलेंगे लेकिन यमपुर जरूर पहुंच जाओगे इसलिए पहुंच जाओ। ध्रुव ने कहा यह भी अच्छी बात है महात्मा जी कि मैं किसी जीव का भोजन बन जाऊंगा। नारद जी ने जब उस बच्चे के यह विनय सुनी शब्द सुनी नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए और कहा बेटा तूने गुरु किया। ध्रुव ने कहा मुनिवर मैंने गुरु नहीं किया। नारद जी ने कहा तुम गुरु कर लो, गुरु के घर भगवान नहीं मिलता इसलिए तुम्हें गुरु करना अति आवश्यक है। उसी समय ध्रुव ने देवर्षि नारद को दंडवत की और कहा आप हमें अपना शिष्य बना लो। देवर्षि नारद ने ध्रुव की बात सुनी कहने लगे बेटा आप ऐसा करो इस यमुना में स्नान करके आओ मैं तुमको गुरु दक्षिणा देता हूं। आज यमुना जी में स्नान कर लो। ध्रुव महाराज ने स्नान किया
उसी समय ध्रुव ने स्नान किया, दीक्षा ली और नारद जी ने ध्रुव को अपना शिष्य बना लिया। देवश्री नारद ने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोले श्री शंकर भगवान की, बोले विष्णु भगवान की। भगवान का देव ऋषि नारद ने वर्णन सुनाया, भगवान की चार बजाए होंगी, हाथ में गदा शंख चक्र पदम, गले में किस्तक मणि माला, सुंदर सा मुखड़ा, सूर्य के समान तेज होगा, चंद्रमा के समान शीतल होगी। देव ऋषि नारद ने सभी स्वरूप बता दिया। आज महाराज ध्रुव एक केता के पेड़ के नीचे समाधि लगा लेते हैं और भगवान का जाप करने लगे। ध्रुव ने समाधि लगा ली, सज्जनों पहली समाधि 25 दिन बाद खुली। ध्रुव को भूख लगी, समाधि खुली, केता का फल खाया, पानी पिया, फिर समाधि खुली, फिर बैठ गए समाधि पर। दूसरी समाधि एक महीने बाद खुली, कुछ पत्ते भी पड़े थे, एक केता का पेड़ वो भी फल भी पड़ा था, उनको खाकर पानी पिया, फिर पूजा में बैठ गए। तीसरी समाधि 3 महीने बाद खुली, ध्रुव ने जल पीकर समाधि लगा ली, अखंड समाधि लगा ली सज्जनों, प्राण वायु की, जो प्राण वायु है उसको खींच लिया। ध्रुव की तपस्या देखकर इंद्र घबरा गया, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। अब तो ध्रुव की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं भेज दी, अप्सराएं भंग करने लगी ध्रुव की तपस्या को, कोई नाचने लगी, कोई गा रही है। जब ध्रुव ने अखंड समाधि लगा ली तो क्या हुआ, लहरें उठने लगी।
क्योंकि हृदय में ध्रुव महाराज भगवान की झांकी दे